सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। ये देखिए, सरकारी स्कूल के गेट का ताला लगा दिया है गांव वालों ने, और इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? एक हमारे स्कूल में सतपाल राणा जी बहुत अच्छे अध्यापक आए थे, लेकिन वो वाल्मीकि परिवार से थे। उसको वाल्मीकि परिवार से देख कर स्टाफ वालों ने उसको दबा लिया। उससे पहले यहाँ कुल 15 बच्चे थे, उन्होंने यहाँ 70 बच्चे कर दिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने इतना दबा दिया उसको, यहाँ से वो बेचारा तबादला करा कर चला गया। हम चाहते हैं पूरे स्टाफ का यहाँ से तबादला हो, जो पुराना स्टाफ है, और नया स्टाफ आएगा उसका मोस्ट वेलकम, सरकार स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी। तो आप इस बारे में क्या कहोगे भाई साहब? इस बारे में जो बच्चे से मुलाकात हुई है, अच्छी बात है। जो सकपाल मास्टर जी थे, उन्होंने गाँव को के स्कूल को निचले स्तर से ऊपर स्तर तक उठाया है, और ऐसे टीचरों की यहाँ पे जरूरत है। बुरा बताते हैं पहले से, अच्छा जो उनका ट्रांसफर हुआ है वो गलत हुआ है, बच्चों का भविष्य। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ, ये सतपाल सर आए जब से पहले ही स्कूल की हालत बहुत खराब थी, और सतपाल के आने के बाद में स्कूल का सुधार हुआ। अच्छा, ये सतपाल पर दबाव क्यों बनाया? सतपाल पर दबाव इसलिए मैंने, क्योंकि ये वाल्मीकि जाति से दलित जाति से थे, इसलिए इसके ऊपर दबाव बनाया। टीचर तो बहुत अच्छे थे, स्कूल की हालत भी बहुत बढ़िया बनाई है इन्होंने, बच्चों को भी बहुत अच्छा किया है ना। बाकी ये अध्यापक इससे आने से पहले यही दारू पीते थे, और शराब भी पीते, ये सोलपा वगैरह पीते थे। इसके आने के बाद में हालत सुधरी है। अच्छा, चलो उसकी तेज करवा दे, आवाज आवाज करिए, तेज करिए, तेज कर दे। देखिए, बाढ़ हड़ताल पर बैठ गए हैं गांव बुर्री में, सरकारी स्कूल में। आप भी कुछ कहना चाहोगे सरकारी स्कूल के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहता मैं, हमारे गांव में तेरा पागल हो चुकी है। ये कुछ पत्थरबाज टाइप के आदमी हैं, ये नहीं चाहते कि गांव में विकास हो, बढ़िया स्कूल बने। इनका फिर दोबारा से चेहरा देखो।